सो अब हम बातचीत करेंगे. फ्री साउंड इफेक्ट्स है ना, ये आप इस समय देख सकते हैं. फ्री साउंड इफेक्ट्स ये भी है. व्हाट इज इसका साइट का, ये क्या है? हाँ, साउंड बाइबल. आप सबसे ऊपर देखेंगे, साउंड बाइबल इज रिटन. ओके, soundbible.com. तो ये हो सकता है वेबसाइट. ओके, आई एम स्पेलिंग इट आउट. साउंड बाइबल, soundbible.com. द अनदर साइट कैन बी freeplaymusic.com. ये भी हो सकता है freeplaymusic.com. लेकिन एक बात इस समय बताना चाहता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यू कैन यूज एनी म्यूजिक पीस बट नॉट मोर देन 30 seconds. 30 seconds तक अगर आप यूज करते हैं तो कॉपीराइट का इश्यू नहीं आता है. ओके, 30 seconds तक एनी पर्टिकुलर साउंड बाइट यू कैन यूज. लेकिन 30 seconds के ऊपर जाएगा तो इवन इफ यू अपलोड इन द यूट्यूब, तो यूट्यूब भी बता देगा कि जो कॉपीराइट है, वो जो राइट है, मतलब वो उसको देख लेता है. यानी यूट्यूब विल टेल दैट यू आर वायलेटिंग द कॉपीराइट एक्ट. तो 30 seconds तक के लिए आप बड़े आराम से यूज कर सकते हैं वो भी. और इन साइट्स में अगर आप जाएंगे, यस, soundbible.com, राइट, एकदम सही लिखा है. एक है freeplaymusic.com, ये भी टाइप कर लीजिए, freeplaymusic.com, यहाँ भी आपको मिल जाएगा. रॉयल्टी फ्री म्यूजिक भी अगर आप टाइप करेंगे गूगल में, किसी साइट में ना भी जाएं, ओनली रॉयल्टी फ्री साउंड इफेक्ट्स अगर आप बोलते हैं तो आपको मिल जाता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्लोरेशन. एक बात तो ये हो सकती है. एक और है, इस समय आपको बताऊंगा, आपका free SFX, ये भी कर सकते हैं. यहां से भी आपको साउंड मिल जाएगा, डाउनलोड फ्री साउंड इफेक्ट्स. तो इसमें ये भी टाइप कर दिए, सो दैट ऑल कैन हैव इट. तो अभी थोड़ा सा फास्ट चलेंगे. अब कुछ बातें आपके लिए इस समय. अभी नाउ वी विल गो एंड वी विल टॉक अबाउट द ऑडेसिटी, बट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन बिटवीन यू कैन आस्क. अभी आप पूछ सकते हैं और उसके बाद फिर हम सीधा अब ऑडेसिटी के सेशन में जाएंगे. तो राइट, ओके, हाँ, freeplaymusic.com. ओके, यहाँ पर मिल जाएगा. वन थिंग मोर, अगर आप साउंड इफेक्ट को यूज करना चाहते हैं, साउंड इफेक्ट को अगर आप यूज करना चाहते हैं, यू कैन गो टू दीज साइट्स. इस साइट के अंदर आपको फ्री प्ले म्यूजिक जैसे, उसमें खाली आपको म्यूजिक मिलेगा, साउंड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा. साउंड इफेक्ट आपका साउंड बाइबल है ना, soundbible.com, यहाँ आपको साउंड इफेक्ट मिलेगा. फ्री प्ले म्यूजिक में जाएंगे तो ओनली म्यूजिक मिलेगी, उसमें साउंड इफेक्ट नहीं मिलेगा. तो और उसमें पूरी कैटेगरी होती है. नंबर टू, आपसे ये ऑप्शन पूछेगा, इट विल आस्क फॉर द ऑप्शन की वेदर यू वॉन्ट टू हैव इट ऑन द वेब फॉर्मेट और ऑन द MP3 फॉर्मेट. ओके, तो अच्छा है कि गो फॉर द MP3 फॉर्मेट. इट इज इजिली डाउनलोडेबल क्योंकि इट इज अ कंप्रेस्ड फाइल, तो इससे आपको सुविधा होगी. तो नाउ वी वुड लाइक टू गो टू द दिस ऑडेसिटी, और इस समय स्क्रीन को देखेंगे, है ना. प्लीज फॉलो द स्क्रीन. उससे पहले एक मिनट, अभी तक हम लोगों ने एक बात को देखा था, कुछ बातों का जो ये है अभी इस समय आपके सामने. सो आ जाएंगे, देखते हैं इस समय. तो दो तीन बात आज हमने सीखी थी. एक तो ये कि वो लालच मत रखिएगा, वो बंदर वाला है ना कि मैं यही करूं, नो, वो भी नहीं. ऑडियो के प्रोग्राम को जब भी यूज करते हैं, जब भी कुछ लिखते हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल, ये बात भी हमने देखी थी. नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट वेयर टू रिकॉर्ड. यू डू नॉट हैव अ वेरी प्रोफेशनल स्टूडियो, हर एक के पास नहीं होता है. हम लोग का जो टाइम था उस टाइम में तो होता ही नहीं था. टू गो एंड टू सी अ स्टूडियो वॉज अ वेरी बिग थिंग. बाप रे बाप, आज हम स्टूडियो में गए, है ना. उन दिनों बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी. लेकिन अब ये बहुत इजीली अवेलेबल है, आपका मोबाइल भी अवेलेबल है. मोबाइल के अंदर अलग अलग फॉर्मेट में साउंड के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, लेकिन मोबाइल में भी आप MP3 रिकॉर्डर आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल के अंदर भी. अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं तो आपको मिल जाएगा, है ना, MP3 रिकॉर्डर यू कैन डाउनलोड. या दूसरी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, एनी साउंड फॉर्मेट, आपका M4 भी होता है, अलग अलग होते हैं, है ना, अलग अलग साउंड फॉर्मेट, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग फॉर्मेट होते हैं. तो आप उसको लेके यू कैन मेल इट टू योरसेल्फ एंड देन यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन गो टू गूगल और वहां पर टाइप कीजिए MP3 कन्वर्टर फ्री. ओके, MP3 आपका कन्वर्टर आता है,
वहां पर जाइए, उसमें आप किसी भी साउंड को, अगर वो MP3 नहीं है, यू कैन कन्वर्ट दैट एंड यू कैन डाउनलोड. तो आप ये कर सकते हैं, सिंपली यू हैव टू टाइप MP3 कन्वर्टर, बस इतना टाइप करना है, आपके सामने आ जाएगा. नहीं, वो लिखा होता है MP3 कन्वर्टर ऑनलाइन, ऑनलाइन लिखा होता है. तो ऑनलाइन में एनी साउंड फॉर्मेट, हो सकता है आपका मोबाइल कुछ और फॉर्मेट रिकॉर्ड करता हो, अगर आप एप्पल देखेंगे तो अलग करता है, M4 होता है उसका, अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग साउंड की, साउंड के फाइल होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है, क्वालिटी नहीं बोलूंगा, अलग अलग फॉर्मेट होता है. बट वेन यू गो फॉर द Audacity, Audacity विल एक्सेप्ट आइदर वेव फॉर्मेट और द MP3 फॉर्मेट, ये दो ही एक्सेप्ट करेगा. तो आपको नंबर वन, यू हैव टू एंश्योर एट फर्स्ट कि यू नीड टू हैव द साउंड फाइल इन वेव फॉर्मेट और इन MP3. इन दो बातों की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इसको नोट कर लीजिए. अदरवाइज आप कहेंगे सर हमने डाउनलोड तो किया लेकिन Audacity इज नॉट एक्सेप्टिंग, तो ऐसा नहीं, Audacity विल एक्सेप्ट ओनली टू फॉर्मेट्स, फॉर्मेट नंबर वन इज द वेव एंड द टू फॉर्मेट, टू फॉर्मेट इज द MP3. तो ये दो फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं. जो आपको शुरू में बताया ऑनलाइन ऑडियो कन्वर्टर, ठीक है, ये भी ठीक है. यू आर टाइपिंग, हाँ, http://online.audioconverter. ऑडियो कन्वर्टर बोल सकते हैं या MP3 कन्वर्टर भी आप टाइप कर सकते हैं, दोनों दोनों ही चलेगा. तो ऑनलाइन आपको ये कन्वर्ट करके दे देगा, इट विल लीड यू टू एंड इट विल से दैट आई एम गोइंग टू सेव इट इन योर ड्राइव, तो आपके ड्राइव में वो सेव हो जाता है, यू कैन डाउनलोड MP3 कन्वर्टर ऑनलाइन. राइट राइट, ये बिल्कुल ठीक है. ये जैसे टाइप करेंगे आप तो आपको ये उस साइट में लेकर के जाएगा. तो एनी फाइल दैट यू हैव, यू कैन एक्सेस दैट फाइल एंड यू कैन अपलोड हियर एंड इट and it will be downloaded as the MP3 format. So now we are going to Audacity, okay? Audacity में चलते हैं, तो इस समय स्क्रीन को देखेंगे, स्क्रीन पर इस समय चलते हैं, जी, right. तो यहाँ पर देखते हैं that we have so many sound editing softwares, so many sound editing softwares we have, और यहाँ पर देखते हैं कि these are the professional softwares, यहाँ से start करना चाहते हैं, these are the audio editing softwares. You can note down these names. Number one is the Nuendo, which we are using here in our studio. Hum isko use karte hain. It is very user friendly, very good for music recording. It's very good. Aur drama wagera ke recording ke liye bhi bahut acha hai. So Nuendo. Acha, dusra jo aap dekh rahe hain wo hai Cool Edit Pro. Okay, it is also one of the good sound editing software. Number three is the Logic Pro. Number four is the Cubase. So ये प्रोफेशनल साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन इसको यदि लेना है तो यू नीड टू हैव अ लाइसेंस, आपको लाइसेंस चाहिए, यू नीड टू परचेज, आपको खरीदना पड़ेगा, है ना? तो ये तो बड़ा मुश्किल है, अच्छा महंगे भी हैं. तो नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट Audacity, वी आर टॉकिंग अबाउट Audacity बिकॉज इट इज एक्चुअली ओपन, इट इज ओपन सॉफ्टवेयर, ये आपका ओपनली आपको अवेलेबल है, एनी वन कैन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर. सो वी आर गोइंग टू Audacity नाउ, आगे चलेंगे. अब यहाँ पर देखते हैं, yes, Audacity is a free open source digital audio editor and recording computer software. ये application है, मोनिका जी आपसे ये सब पूरा share कर देंगी तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर ये मिलेगा. और interestingly, you do not need sound mixer or other sophisticated device to use it. Sound mixer की आपको जरूरत नहीं है, इसी के अंदर inbuilt सब कुछ होता है. आप आवाज को आपका फेड आउट फेड इन आप सब कुछ कर सकते हैं. तो Audacity ये है, और Audacity का जो लोगो है वो इस प्रकार से दिखता है, Audacity का लोगो है ना, विच वी आर शोइंग यू, जहां पर आप कर्सर इस समय देख रहे हो. ओके, हाँ, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट, वी विल गो टू द नेक्स्ट. ये क्या फैसिलिटी देता है, यू कैन रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट माइक्रोफोन और बाय एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स, बोथ, आप दोनों के द्वारा इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं. डिफॉल्ट जो माइक्रोफोन होगा वो तो आपके लैपटॉप में होगा, लैपटॉप में ऑलरेडी है, तो लैपटॉप की जरूरत आपको पड़ेगी या आपको डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी, दोनों की जरूरत पड़ेगी. तो एक माइक होता है जो उसमें इनबिल्ट होता है, उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, या एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन ऑल्सो यू कैन यूज, लेपल टाइप का होता है, मक्खी है ना छोटी सी, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं. Number two facility that it gives to you is that you can edit, you can import and you can export audio files. Import or export, ये क्या होता है हम बाद में देखेंगे. We are going very quickly now. You can mix tracks by using envelope. Envelope इसमें एक facility है जिसमें कि आप track को mix कर सकते हैं.
यानी टू ट्रैक्स कैन बी मिक्सड, वन ट्रैक कैन बी द ऑडियो ट्रैक, बट इफ यू वॉन्ट टू मिक्स द म्यूजिक अलॉन्ग विद इट, इफ यू वॉन्ट टू हैव द बैकग्राउंड म्यूजिक अलॉन्ग विद योर नरेशन और ड्रामा, तो यू कैन मिक्स द ट्रैक. ये आपको फैसिलिटी देता है, इसमें इफेक्ट आपको मिल जाते हैं. साउंड इफेक्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें कई प्रकार के इफेक्ट, जैसे रूम इफेक्ट मिल जाएगा, हॉल इफेक्ट मिल जाएगा. इफ यू आर शाउटिंग इन द माउंटेन, तो जो इको का इफेक्ट है वो आपको मिल जाएगा, फ्लेंजर मिलेगा, फेजर मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको. एम्पलीट्यूड मिल जाता है, एम्पलीट्यूड मीन्स अगर कोई आवाज बहुत लो है आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं. यू कैन यूज मल्टीपल ट्रैक्स. नेक्स्ट, ये तो आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन इस समय बस थोड़ी देर के देखना चाहते हैं. How to get it? Go to Google and type Audacity downloads. It will take you to the options. Install the software. और यहाँ पर उसका पूरा specification आपको मिल रहा है. और tutorial भी इसका available है. Even tutorials are available. YouTube में भी इसका tutorial है. And Audacity itself, it gives you the tutorial for it. तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है. And it's not a rocket science. It's not very complicated. तो ये आप सीख सकते हैं. ये है. आगे के उसमें चलते हैं. तो अब यहाँ पर है कि हाउ टू बिगिन. तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो. तो स्टेप वन, यू नीड टू गो टू फाइल. तो अब हम एक काम करेंगे कि अब इसको इतना नहीं समझा के, ओके, नाउ वी आर गोइंग डायरेक्टली टू Audacity फाइल. Audacity फाइल में चलते हैं. इतना बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा, देन यू विल नॉट हैव द टाइम टू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. तो वी आर गोइंग टू Audacity, वी आर गोइंग टू Audacity डायरेक्टली नाउ. अब हम Audacity में जाएंगे. हाउ इट लुक्स लाइक, इस समय आप देखेंगे. तो वी आर गोइंग टू हैव अ डेमो. इस समय इसको देख सकते हैं. तो Audacity, इसके लोगो से आप इसको पहचान सकते हैं. लोगो इज नाउ कमिंग टू यू. इट लुक्स लाइक दिस. ओके, सो नंबर वन, अब इसमें हम चलेंगे. अच्छा, साउंड भी ताकि उन लोगों को सुनाई पड़े. दैट वी कैन एनेबल. आप लोग देख सकते हैं. ओके, तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो हाउ Audacity लुक्स लाइक दैट यू हैव ऑलरेडी सीन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर हैंड्स ऑन सेशन. ओके, तो अभी हमने Audacity खोला. Audacity जब खोलेंगे तो फाइल लुक्स लाइक दिस. इट इज द न्यू प्रोजेक्ट, इट इज अ न्यू फाइल इन विच यू हैव टू क्रिएट योर प्रोग्राम. ओके, तो नंबर वन, what we need to do, jaisa aisa bolunga waisa mouse se follow karenge. We need to at first go to file and click new. aap yahan par dekh rahe honge file par is samay cursor hai. okay, file par cursor hai. then we come to new. to is samay hum isko kholenge. new means a new file. ek nayi file hamare liye khul jayegi. ek nayi file. now it is a working file. then here it says ab isme kya kare. it looks very blank. to what we need to do, now we need to go to the tracks. kyunki ट्रैक याद रखिएगा, इट इज अ कीवर्ड. ओके, तो ट्रैक में हमको जाना है. एंड व्हेन यू गो टू ट्रैक, आफ्टर गोइंग टू ट्रैक, देन वी नीड टू एक्चुअली टॉगल डाउन एंड क्लिक ऑन द ऐड न्यू. लाइक वी हैव कम टू ट्रैक. एक बार फिर से ट्रैक में जाएंगे. ट्रैक के बाद वी टॉगल्ड इट डाउन एंड वी केम टू ऐड न्यू. दैट मींस वी आर विलिंग टू हैव अ न्यू ट्रैक. एंड हियर इट इज गिविंग यू द ऑप्शन दैट वेदर यू वॉन्ट इट इन मोनो और इन स्टीरियो. तो जो भी आपको चाहिए यू कैन टेक, कोई बड़ी बात नहीं है. हम इस समय ले लेते हैं स्टीरियो ट्रैक. ओके, तो स्टीरियो ट्रैक जब भी होगा, व्हाट विल बी द सिम्टम दैट ये आपको दो दिखाई पड़ेगा. अगर मोनो होता तो ये सिंगल दिखाई पड़ता है. यहाँ पर हमको दो दिखाई पड़ रहा है. तो वी हैव कम टू नाउ हियर. तो एड न्यू हो गया, तो एक नया ट्रैक अपियर हो गया. और अब इसमें आप और ट्रैक भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो. लेकिन अब आगे चलेंगे. अब दो ऑप्शन है. रिकॉर्ड या तो हम माइक्रोफोन से करें या फिर हम इसका जो डिफॉल्ट माइक्रोफोन है उससे करें. तो अब हमको क्या क्या करना है, अब यहाँ पर देखेंगे. ये बड़ा अच्छा है. इस समय हम अब वी वुड लाइक टू रिकॉर्ड समथिंग. ओके, वी वुड लाइक टू रिकॉर्ड समथिंग. तो हाउ टू रिकॉर्ड. रिकॉर्ड जब करना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप कर्सर को फॉलो कीजिए जहां पर लिखा है रिकॉर्ड. ओके, रिकॉर्ड लिखा है, रेड बटन है. यू कैन प्रेस इट. इसको आप क्लिक कीजिए तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी. एंड नाउ रिकॉर्डिंग राइट नाउ. जो मैं बोल रहा हूँ इस समय मैं बोल रहा हूँ आपके लिए. एक मिनट इसको रोक देंगे. इसको रोक करके एक नई फाइल बनाते हैं क्योंकि वी नीड टू मिक्स इट अगेन. तो सर,
सर ट्रैक्स वाला पार्ट विजिबल नहीं है, ओनली द विंडो ऑफ द ऑडेसिटी इज विजिबल. अच्छा शानू एक बार इसको स्टॉप शेयर करके ना कंप्लीट शेयर कर दो एंड अलोंग विद द साउंड. ओके सो व्हेन यू क्लिक ऑन द शेयर स्क्रीन बटन यू विल हैव इधर लेफ्ट एक्सट्रीम कॉर्नर शेयर साउंड एंड देन द शेयर स्क्रीन. यस नाउ इट इज विजिबल. सो आई थिंक यू हैव टू डू इट सर अगेन. Okay, okay. I'm going to do it again. So, we are again going to have a track. We are going to have a new track. We are going to begin. इसको हम हटा देते हैं पहले. Let us now remove this because we have to redo it. Okay. Okay. So now it is the working file. Now it is the working file. और यहाँ we need to work. Okay. अब हम क्या करेंगे? As you see here, that am I audible to you? Am I audible, Monica? जी, okay, जी, okay, good. तो यहाँ पर वापस से ट्रैक ऐड किया है क्या? नहीं नहीं अब हम फिर वहीं से आ रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं. ठीक है सर. Okay, so now follow the cursor. We are going to file at first, and then okay, then we go to new. मतलब we are going to have a new working directory or a new file in which we are going to produce our program or we are going to record our program. So after file, we have to click new. After we click new, it gives you the option to go to the track because it is a blank, directory. So now we need to go to the track. Number one, एक बात यहाँ पर बता देता हूँ. If you have some music pieces already along with you, in your, any of the place, you know, maybe it is in the desktop or maybe in any drive, जहाँ भी हो. अगर वो है तो आप शुरू में decide करने आपको कितना track चाहिए. तो अभी हम ज़्यादा track में नहीं जाएंगे. So we are going to track. So now come to track and just click and here it says add new. Okay. जब आप नया add करेंगे यहाँ पर तब आपको यहाँ पर एक नया आपका working directory आपको मिल जाएगा, working file आपको मिल जाएगा. It is giving you the option of whether you want to have it in the mono track or you would like to have it in the stereo track. So whatsoever, it depends on you, but I will suggest you to go for the stereo track. आजकल स्टीरियो में ज्यादा, इवन इफ यू प्रोड्यूस अ प्रोग्राम फॉर द एफएम, सो दे वुड लाइक टू हैव इट इन द स्टीरियो. तो स्टीरियो में भी जा सकते हैं. इसको क्लिक करें. नाउ द ट्रैक इज रेडी इन विच वी कैन वर्क हियर. ओके, सो अब ये तैयार है बिल्कुल. सो अभी एक प्रोग्राम अभी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम अभी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो अभी एक मिनट, चलिए कुछ रिकॉर्ड करते हैं अभी. ओके, तो व्हेन वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड, तो वी आर गोइंग टू, you can see the red button which enables you to record a program. to jab isko main bolunga tab click karna, to isko jab click karenge to yahan par ab you can record your program. as I have already shared with you, jaisa maine aapko bataya tha ki aap default microphone se bhi use kar sakte hain jo already laptop mein inbuilt hai, ya aap ek external microphone bhi laga sakte hain. okay, to now we are going to record, start. आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है. मैं हूं आपका दोस्त अजीत होरो. आप सबों का हार्दिक स्वागत है. श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, कंटिन्यूअसली आपने हमारे प्रोग्राम को सुना. और आज आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोमांचक कहानी. और ये कहानी है एक जर्मन संगीतकार की और उनका नाम है लुडविग वॉन बीथोवन. उन्होंने बहुत सारे सोनेट्स बनाए, बहुत सारे कंपोजिशंस, और उनके कंपोजिशंस आज भी वर्ल्ड वाइड यानी पूरे संसार के अंदर सराहे जाते हैं. तो एक खास बात ये होगी कि इस कार्यक्रम को जब आप सुनेंगे, जब मैं बोल रहा हूं तो आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे, बैकग्राउंड में लुडविग वॉन बीथोवन की म्यूजिक भी आपको सुनाई पड़ेगी. तो आइए सुनते हैं आज का कार्यक्रम. और ये कार्यक्रम है लुडविग वॉन बीथोवन. नमस्कार. यहां तक मैंने बोल दिया दैट वी हैव रिकॉर्डेड ऑलरेडी. तो अब ये रिकॉर्ड हो गया. अब एक बार इसको सुनते हैं. लेट अस लिसन टू इट. तो जब सुनना है तो नीचे आपको यहां से इसको हम बिल्कुल बिगिनिंग में लेकर के जा सकते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लिसन टू इट. अब इसको प्ले करते हैं. प्ले करने के लिए आप स्पेस बार को भी यूज कर सकते हैं या तो प्ले बटन जहां पर आप कर्सर देख रहे हो, दोनों यूज कर सकते हैं. तो ओके, चलिए प्ले करते हैं. आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है. मैं हूं आपका दोस्त अजीत होरो. आप सबों का हार्दिक स्वागत है. श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, कंटिन्यूअसली आपने हमारे प्रोग्राम को सुना. और आज आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं. एक मुझसे मिस्टेक हुई और मिस्टेक ये हुई कि मैंने मिस्टेक नहीं किया.
अब मिस्टेक नहीं करेंगे तो एडिट क्या करेंगे, तो मुझको मिस्टेक तो करना होगा ना, तो दोबारा और एक बार रिकॉर्ड करते हैं, इसी को रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी जी। अगेन ठीक है, वी गो टू ट्रैक एड न्यू एंड वी हैव कम टू द म्यूजिक ट्रैक। ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। श्रोताओ दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस SRG ग्रुप के सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आपने हमारे कार्यक्रमों को सुना, और अब आज एक खास प्रोग्राम की पेशकश हम आपके लिए करने जा माफ कीजिए इन ओके, इट सीम्स टू बी ओके नाउ। तो श्रोताओं, मैं आपसे ये कह रहा था कि आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे एक बहुत ही मशहूर जर्मन संगीतकार, और उनका नाम है लुडविग वॉन बीथोवन, और आज उनकी जीवनी पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये वही शख्स है अजीजो, जिसने कहा था कि इवन देयर इज साइलेंस, इवन साइलेंस इज द म्यूजिक, क्योंकि वो अपने जीवन के अंतिम समय में सुनने में असफल हो गए थे, सुन नहीं पाते थे, लेकिन उसने कहा देयर इज अ ग्रेट म्यूजिक ऑल्सो इन साइलेंस। तो आइए सुनते हैं। तो आपने देखा कि मैंने खासा ओके जानबूझ के, तो तब तो एडिटिंग समझेंगे ना। तो अब एक बार फिर से हम वापस आते हैं, चलिए वापस आते हैं, और इस समय इसको प्ले करेंगे। जब इसको प्ले करेंगे तो इस समय आप देख सकते हैं। जी हाँ, चलिए इसको प्ले करते हैं। श्रोताओ दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस SRG ग्रुप, अभी हम एडिट करने जा रहे हैं ओके। और आपने देखा होगा कि जहां पर खांसी जहां पर है, अगर इसको थोड़ा सा दिखा दें, अगर आप देखेंगे वेव फॉर्म है ना, वी कॉल इट द हेल्थ ऑफ द वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म आप देखेंगे, मतलब वेव फॉर्म इज ऑलरेडी वेरी क्लियरली सीन। नॉर्मल वाला दिखाएंगे पहले, जहां पर माउस चल रहा है, ये जो चल रहा है बिल्कुल नॉर्मल है, पर अचानक खांसी आई, जोर से आई ओके, यहाँ पर मोटा हो गया है ना, मतलब ज्यादा ये हेल्दी हो रहा है, ज्यादा हेल्दी वेल्दी लग रहा है ना, उसका मतलब यहाँ पर गड़बड़ है। अभी हम लोग पहचान लेते हैं, विमलेश पहचान लेती है ना, तो क्योंकि हम लोग आंखों से भी देख लेते हैं साउंड को, लेकिन आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जहां पर लेवल हाई होगा वहां पर ऑलरेडी ये ब्लास्ट करता हुआ दिखेगा। एक बात और, एक एक्सरसाइज और कराता हूँ। आप अपने फिंगर को ऐसे रखिए, मुंह के पास ऐसे रखिए, हर कोई को रखना है, लाइक दिस। अब आपको बोलना है प फ ब भ, आप बोलिए प फ ब भ, बोल करके देखिए व्हाट इज द रिस्पॉन्स। तो आपने देखा होगा कि आपके लिप से जो विंड निकल रही है वो उंगली को हिट कर रही है ओके, उंगली को हिट कर रही है, तो हिट कर रही है का मतलब है इट विल आल्सो हिट द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को भी ये हिट करेगी, तो वहां पर रिकॉर्डिस्ट आपको रोक देगा। अब बोलेगा सर यहाँ पर ना साउंड ब्लास्ट आ गया, ये फंबल नहीं है, ये साउंड ब्लास्ट है, फंबल है जहां पर हम बोलने में लड़खड़ाते हैं, इट इज द साउंड ब्लास्ट। और एक बार बोलिए प फ ब भ। अच्छा, तो हिंदी के ये जो पांच जो अक्षर हैं अक्सर ये हिट करते हैं, तो जब भी माइक्रोफोन से बोलेंगे यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप बहुत ही अच्छे हैं, अगर मैं ये बोला तो कुछ नहीं होगा, आइए फल खाएं, अगर ये बोलता हूं तो हिट करेगा, तो आइए फल खाएं, हल्का सा मैं यूं करके अपने मुंह का एंगल मैं बदल सकता हूँ, माइक का एंगल तो बदलेगा नहीं, वो तो स्टैंड में है, तो आइए फल खाते हैं, है ना, तो यानी इस तरह का। तो प फ ब भ इंग्लिश का, इंग्लिश के जो फोनेटिक्स हैं उनका नेचर ऐसा है कि प्राय हिट होता है, तो उसके लिए माइक्रोफोन का एंगल अलग होता है। तो अब इसको सुनते हैं, लेट अस सी हाउ टू एडिट, शुरू से चलते हैं ओके, सुन के देखते हैं। श्रोताओ दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस SRG ग्रुप के सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आपने हमारे कार्यक्रमों को सुना, और अब आज एक खास प्रोग्राम की पेशकश हम आपके लिए करने जा माफ कीजिए इन ओके, इट सीम्स टू बी ओके नाउ। तो श्रोताओं, राइट, तो इतना जो पोर्शन था हमने ये देखा कि यहाँ पर खांसी की आवाज भी है। तो आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो कुछ बातें आपको बता दूं कि बहुत ध्यान रखिए, बातचीत करने में या कोई भी जो आता है, हर कोई बोलने में इतना प्रोफेशनल नहीं होगा कि बोलेगा तो फंबल ही नहीं होगा, हम सबसे होता है, गलतियां सबसे होती हैं। तो अब Audacity आपको ये फैसिलिटी देती है कि यू कैन एडिट दिस, तो आइए इस समय हम इसको एडिट करते हैं। अब एडिटिंग में चलते हैं, तो एडिटिंग के लिए वी गो टू द सेलेक्ट टूल, हम पहले सेलेक्ट करेंगे, जहां ऊपर में आई दिख रहा है इसको देख लीजिए, सिलेक्शन टूल यहाँ पर लिखा हुआ है ओके। अब ये सिलेक्शन टूल है, तो नाउ व्हेन इट विल कम डाउन टू
अभी हमने देख लिया कहां से है, नाउ वी विल सेलेक्ट दिस, ओके अब इसको सेलेक्ट करते हैं, हल्का सा कट गया राइट हाँ, अब इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं पूरा, यहां से यहां तक है ओके okay? अब नाउ दिस इज सेलेक्टेड, ये सेलेक्टेड है, अब इसको हम हटा सकते हैं, जब इसको हम हटाएंगे आप एक बार देखेंगे ऑलरेडी ये आपका मर्ज हो जाएगा, एक बार सुन के भी देख सकते हैं हाँ, क्या एक बार इसको सुन के भी देख सकते हैं, एक बार सुन के देखते हैं क्योंकि अंदाज में मान लिया कुछ और काट दिया तो अंडू करना मुश्किल होगा, एक बार सुनते हैं माफ कीजिए इन माइक्रोफोके इट सीम्स टू बी ओके नाउ, तो श्रोता हूं मैं आपसे राइट, तो अब इस एरिया को अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अब इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा बच गया देखिए, पूंछ उसकी बची हुई है राइट, अब बिल्कुल सही जा रहा है, यहां तक आ गया, नाउ यू हैव सेलेक्टेड दिस एंड नाउ वी वांट टू डिलीट दिस ओके, तो डिलीट आप कीबोर्ड से भी आप ये नहीं कर सकते, तो कीबोर्ड में जहां पर डिलीट ऑप्शन है वहां पर जाइए और यहां से हम डिलीट, एक बार सिलेक्शन बटन दिखा दीजिए माउस स्क्रॉल करके कि किससे सिलेक्ट किया है, सो दैट उनको समझ, यहां पर ऊपर में जो आई लिखा हुआ है, आई जो लिखा हुआ है आपका ये पर कैपिटल आई, ये जो ऊपर इफेक्ट के नीचे जहां पर कि आप ये देख रहे हैं माउस जहां पर है, दैट इज अ सिलेक्शन बटन, और एक बार कर देते हैं सिलेक्शन ओके, एक बार इसको ये करते हैं हाँ, और एक बार देखिए वी गो टू आई, नहीं नहीं अभी नहीं हाँ, अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट दिस पोर्शन नाउ राइट, तो हमने इसको सेलेक्ट किया ओके, और अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं, तो आई गो टू द डिलीट ओके, जब मैं डिलीट को दबाता हूं ये डिलीट हो गया, और अब हम सुन के देखते हैं सही है कि नहीं, बजाते हैं, आज एक खास प्रोग्राम की पेशकश हम आपके लिए करने जा, श्रोताओं मैं आपसे ये कह रहा था कि आज ठीक है ओके, तो ये एडिट हो गया, अभी एडिट हो गया, नाउ इट इज रेडी, नाउ इट इज रेडी, तो जहां जहां पर भी होगा यू कैन गो टू द सेलेक्ट आई मीन सेलेक्शन ऑप्शन एंड यू कैन एडिट योर प्रोग्राम, जहां जहां फंबल है, जहां जहां पर खांसी है, जो भी है, बट वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू एडवाइज टू यू, ये अगर आप इफ यू रिकॉर्ड समवन तो पहले ट्राई टू हैव अ गुड रिहर्सल, बहुत बार होता है सामने रख दिया बिल्कुल, एज द न्यूज रीडर्स है ना, दे डू रीड द स्क्रिप्ट, तो पहले कम से कम 5-6 बार उसको कोई अगर पढ़ ले तो मिस्टेक के चांसेस कम होंगे, तो रिहर्सल के बाद वेल रिहर्स्ड, इट मस्ट बी वेल रिहर्स्ड, सो नाउ इट इज रेडी, नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स द प्रोग्राम ओके, तो जब हम प्रोग्राम को मिक्स करने जा रहे हैं, अब नाउ हाउ टू मिक्स, वी आर गोइंग टू दैट नाउ, इस समय इसको देखेंगे, रिकॉर्डिंग यहां पर हो गई, नाउ अब हमको एडिटिंग करनी है, एडिटिंग के बाद अब हम आगे चलते हैं, अब प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए वी नीड टू हैव द बैकग्राउंड म्यूजिक, हमको बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिए ओके, बैकग्राउंड म्यूजिक, अब ये ऐसे प्लेन भी अच्छा लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कुछ म्यूजिक डाल दें तो और अच्छा हो जाएगा, सोने में क्या बोलते हैं सुहागा, हाँ सुहागा बोलते हैं, तो फिर वैसा कर लेंगे है ना, तो इसमें कुछ म्यूजिक अब हम डालना चाहते हैं, तो नाउ हाउ टू डू, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन आता है हमारा, जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन अब आता है इम्पोर्ट करना, अब हमको है ना, नाउ वी नीड टू इम्पोर्ट, सो हाउ टू इम्पोर्ट, गो टू फाइल, नीचे आप देख रहे हैं, अच्छा टॉगल इट डाउन, व्हेन वी टॉगल डाउन नाउ वी हैव कम टू इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब ये है दैट यू आर श्योर कि आपके पास सप्लाई का मामला कहीं पर है, अब है ही नहीं तो व्हाट विल यू आई मीन इम्पोर्ट, सो यू नीड टू कीप सम म्यूजिक पीसेस और व्हाटसोएवर, मे बी इन द डेस्कटॉप और मे बी इन एनी ऑफ द ड्राइव्स, that you should know that from that place you need to import that file to this working directory okay to ab hum import karte hain like go to audio ab humko audio import karna hai ab now here it is asking for the option mang raha hai kahan rakha hai ab aapko pata hona chahiye humne kahan rakha hai dekh lete hain is samay ढूंढ रहे हैं अभी एक मिनट में जस्ट वेट तब तक मिला शायद नहीं मिला कोई नहीं मिल जाएगा मिला अच्छा एक मिनट जस्ट वेट तब तक एक और म्यूजिक जो कि
जब यानी बिथोवन बोला है तो बिथोवन की म्यूजिक ही लगाते हैं तो अच्छा रहेगा. तो बिथोवन की म्यूजिक वी कैन डू, यहाँ से देखते हैं, इसको लगाते हैं. यहाँ पर एक पियानो म्यूजिक होनी चाहिए. तो अभी वी आर यूजिंग द पेन ड्राइव और इस समय ये खुलेगा. इस समय इट इज सी, एक मिनट, कहीं पर म्यूजिक होगा. पियानो देखते हैं कहीं पर. पी 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 पी, क्लिक एनीवेयर. सॉरी, थोड़ा सा वेट कर लें. इसे पियानो म्यूजिक होना चाहिए. यहाँ पर कोई बात नहीं, यही से देखते हैं. नहीं, इंस्ट्रूमेंटल कहाँ है? बार था? राइट. तो अब ये मिल गया. इसमें एनी ऑफ द म्यूजिक वी कैन यूज. एक पॉपुलर म्यूजिक हम लगा रहे हैं जो कि इस समय आप याद कर सकते हैं. दैट म्यूजिक वी कैन यूज लाइक इंस्ट्रूमेंटल. ओके, अब हाँ, अब इसको वी कैन इंपोर्ट. तो वी आर इंपोर्टिंग दिस. हाँ, क्रिसमस इंस्ट्रूमेंटल साइलेंट नाइट, हियर इज अ म्यूजिक. यस, ओके. तो ये अभी हमने इसको इंपोर्ट किया. नाउ इट इज बीइंग इंपोर्टेड. अब म्यूजिक यहां पर आ गई. अब दोनों ट्रैक हमको दिखाई पड़ रहे हैं. असुविधा के लिए खेद है, लेकिन यही म्यूजिक हम चाहते थे, इसी को डालें. तो अब यहाँ पर देखें कि दोनों ट्रैक हमको दिख रहे हैं. जो ऊपर में है द आई मीन टॉप ट्रैक, दैट इज द वॉइस, एंड द लोअर ट्रैक, दैट इज द म्यूजिक. नाउ वी नीड टू मिक्स इट. अब हमको इसको मिक्स करना है. नाउ हाउ टू मिक्स? नाउ यू हैव टू स्पेक्यूलेट. अब आपको एक डिजाइन करना पड़ेगा, कि क्या हम चाहते हैं. तो सर क्या चाहते हैं ये बताइए. तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कैसा चाहते हैं, कि शुरू में म्यूजिक आए और बाद में वो स्टार्ट हो, या बिल्कुल वॉइस पहले आए, क्या आप चाहते हैं? नहीं नहीं, शुरू में, स्टार्टिंग में थोड़ा सामने आ जाइए. स्टार्टिंग में म्यूजिक थोड़ा सा अप रहे और उसके बाद जैसे ही हमारा जहाँ पे आपने बोला है उसके थोड़ा सा हम डाउन कर सकते हैं, उस जगह पे लेवलिंग कर सकते हैं. और उसके बाद अगर हम चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा एंडिंग के लिए उसको अप करके फिर थिएटर डाउन कर सकते हैं. अच्छा, डाउन कर सकते हैं. तो And that's the way we need to produce, yes. है ना? क्योंकि शुरू में एक म्यूजिक आने से इंटरेस्ट ऑलरेडी आता है. तो इन द बिगिनिंग, अच्छा, इट कैन बी अ पोएम, इट कैन बी अ स्टोरी, इट कैन बी एन एसे, इट कैन बी एनीथिंग. तो इफ यू बिगिन विद द म्यूजिक, इट ऑलवेज क्रिएट्स अ गुड एनवायरनमेंट, अ काइंड ऑफ द इंटरेस्ट. अब बिल्कुल एकदम बोलना चालू हो जाए तो थोड़ा गड़बड़ है. तो अब हम क्या करेंगे, हियर यू कैन सी कि जो म्यूजिक पीस है वो नीचे है और ये ऊपर है. तो अब हम इसको एक्सरसाइज करते हैं. राइट, अब इसको हम लाएंगे थोड़ा बीच में, जो कि म्यूजिक ट्रैक है. म्यूजिक ट्रैक इसको इधर, ड्रैग कर सकते हैं. ड्रैग किससे किया? यहां पर आप देख रहे हैं जो डबल एरो है ना, डबल डायरेक्शनल एरो ऐसे बोल सकते हैं. तो उससे यू कैन ड्रैग इट. तो हमने यहां पर ड्रैग किया, और एक बार ड्रैग करके दिखाएं. इससे हम ड्रैग कर सकते हैं और ड्रैग कीजिए, खेलिए कूदिए थोड़ा सा, बढ़िया. जी हाँ. तो अब यहाँ पर हम सेट करेंगे कि म्यूजिक कितना चाहिए. यहाँ पर लाइए, बिल्कुल यहाँ पर. अगर यहाँ पर लाएंगे जहाँ पर आप देख रहे हैं, तो म्यूजिक बहुत लंबा हो जाएगा. हम कितना देर चाहते हैं कि म्यूजिक का पीस रखे, तो अकॉर्डिंगली अब हम इसको सेट कर लेंगे. तो हमने यहाँ पर सेट किया आउट थोड़ा कम. ओके, इट्स ओके. तो यहाँ पर हमने रखा कि इतनी देर म्यूजिक बजेगी, देन द वॉइस विल स्टार्ट, उसके बाद फिर ये म्यूजिक आपका फेड आउट हो जाएगी. ओके, तो अब इसको मिक्स करते हैं. ये पोर्शन हम काट भी सकते हैं, ये पोर्शन हम हटा सकते हैं, क्योंकि इतने लंबे म्यूजिक की जरूरत नहीं. यहां से इधर हम डिलीट कर सकते. इट इज नॉट रिक्वायर्ड ना, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो इसको हम हटाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. अब नाउ कम टू द फुल स्क्रीन, कम टू द फुल स्क्रीन. ओके, नाउ दिस इज रेडी. जैसा विमलेश ने भी बोला था दैट शी वॉन्ट्स द म्यूजिक टू बी अप इन द बिगिनिंग,
then we come to the voice, and then again the music will be actually music will fade in and then the music will be out. तो अब इसको हम mix करते हैं. Now how to mix it? अब ये दोनों हैं, एक साथ एक बार दोनों को बजाइए. Play it together. अभी session में. श्रोताओं, दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इस SR वैसे ही ऑलरेडी ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा यानी मिक्स करना चाहिए. हो सकता है म्यूजिक लाउड हो, तो म्यूजिक को हमेशा कम रखना चाहिए. म्यूजिक हैज टू बी ऑन द लोअर साइड एंड द वॉइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर टेम्प्टेड कि म्यूजिक थोड़ा सुनाई पड़ना चाहिए. तो म्यूजिक अगर जितना कम सुनाई पड़े, सो दैट ईच एंड एवरी वर्ड इज सो डिस्टिंक्ट एंड यू कैन लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड डिस्टिंक्टिवली. Because you are in the education, so you also need to focus on the, I mean, pronunciation. So music बहुत बार क्या कर सकता है कि it can kill the spirit of the pronunciation. या हो सकता है साफ सुनाई ना पड़े. So don't be much fascinated by the music. When the music is required, it will be up, okay. But when the text is there or the narration is there, so the level of the music must be as much as possible lower or the down. So that the words are very distinct. So now we are going to mix it. अब इसको mix करेंगे. Mix करने के यहाँ जो option आ रहा है, एक मिनट यहाँ पर रखें. यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है envelope. Envelope tool यहाँ पर लिखा हुआ है. यानी you are keeping both the tracks in an envelope. उसका मतलब ये है. And it is going to mix the program. तो envelope आप लोगों को दिख रहा है. यहाँ पर note कर सकते हैं envelope करने. तो now we are going to mix the program. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि white जो patches हैं वो सब तरफ आ गए हैं. तो अब now see, now follow very carefully the mouse, okay? हाँ, अब जहाँ पर है, जहाँ पर cursor है, we will drag it down. हमने down किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि music level is now getting down. Down. ये यहाँ पर down हो गया. And now by just by vision, बहुत ज़्यादा हो गया. Now just by vision we can see that here in the beginning the level of the music is high. And then it comes to down, and then we are coming to the last. Last mein aaiye. Last mein we are going to increase the music level. Kyunki yahan par narration khatam ho gaya. Ji, ab isko utha le. Lock kar le pehle. Lock karke. Ji. Ek bar click karenge to lock ho jayega. Uske baad hum isko utha sakte hain. It is locked. Now it is there. Now it is already. I must say that we are now ready to mix the program. But now we will play it back at first. Sabse pehle hum play karenge. From the beginning, how it sounds like. So let us play it now. श्रोताओं, दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इस SRG ग्रुप के सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है. आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आपने हमारे कार्यक्रम, मेरे हिसाब से अभी भी ऐसा लगा कि जहां मैं बोल रहा हूँ ना, उसके कंपैरिजन में म्यूजिक थोड़ा सा लाउड है. तो म्यूजिक को हम थोड़ा सा और डाउन कर सकते हैं. इसको लॉक करके और डाउन कर लें. और हमने डाउन किया, इतना ठीक है. यहाँ भी कर देते हैं इस साइड में. आई एम गोइंग टुवर्ड्स द एंड साइड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्ले अगेन. फिर से हम प्ले करते हैं. तो ये मूड बना रहा है. ओके, यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो सकती है. श्रोताओं, दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इस SRG ग्रुप के सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है. आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आपने हमारे कार्यक्रम ये हो गया. नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट. अब बिल्कुल लास्ट में आइए. और यहाँ जहाँ प्रोग्राम खत्म हो रहा है, हाउ वी नीड टू लैंड, मतलब अब प्रॉपर लैंडिंग. ओके, सो वी आर गोइंग टू लिसन टू दिस. अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि आउट थोड़ा सा बैक कर लेते हैं कि म्यूजिक इज अ बिट, म्यूजिक इज नाउ वेरी लो. But when we are going to conclude the program, when we are coming at the end tip of the program, the music will be faded in again and then finally faded out. I कहा था कि even there is silence, even silence is the music. क्योंकि वो अपने जीवन के अंतिम समय में सुनने में असफल हो गए थे, सुन नहीं पाते थे. लेकिन उसने कहा there is a great music also in silence. तो आइए सुनते हैं. Okay, approved sir, approved ma'am. अब आगे देखते हैं. Now we need to mix down this program. अब ऐसा ये तो directory में है ना, आप इसको mix down करके ही बाहर भेज सकते हैं.
मिक्स डाउन करेंगे यानी बोथ द ट्रैक्स आर कमिंग टूगेदर वी आर गोइंग टू मिक्स डाउन इसको मिक्स डाउन बोलते हैं तो वी आर गोइंग टू मिक्स डाउन बोथ द ट्रैक्स एंड वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोग्राम ओके नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स डाउन अब चलें सर एक बार जो टूल हमने यूज किया है मिक्सिंग के लिए आई थिंक एनवेलप टूल उसको केवल कर्सर से दिखा दीजिए वो कहाँ पे है ये वाला जहाँ अभी देख रहे हैं हाँ ओके सर एवरीबॉडी प्लीज सी दिस इज द मिक्सिंग टूल एनवेलप टूल बेसिकली टू रिड्यूस एंड इंक्रीज द ऑडियो ओके राइट अब नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स इट ओके we are going to mix so now we again go to the file after file we come to import okay or export sorry uske baad export as mp3 or wave whatsoever to mp3 kar lete hain abhi mp3 kar lete hain to export aur ek baar dekhenge we go to file program is already designed here as the way we want to have it Now we come to file, then we come to export. We come to export, then export as MP3. आइए export करते हैं. Sir, एक और सवाल है कि background sound remove करने के लिए भी बताइए. अच्छा बाद में करते हैं इसको. जी. एक मिनट इसको mix कर देते हैं. तो अब यहाँ पर it is asking for the name of the program. तो desktop में आप पहले देख लें कहाँ save करना है. तो यहाँ पर हो गया और कोई यहाँ पर नाम हम लिख देते हैं लाइक बीथोवन ओके और वी आर गोइंग टू सेव इट इन द डेस्कटॉप तो डेस्कटॉप में ये प्रोग्राम अब योर ट्रैक विल बी मिक्स डाउन एंड एक्सपोर्टेड एज वन स्टीरियो फाइल अब ये एक स्टीरियो फाइल बन जाएगा वी नीड टू से इट ओके अब यहाँ आर्टिस्ट नाम ठीक है क्लिक कर दीजिए आर्टिस्ट का नाम कर देते हैं बिकॉज मैं बोल रहा था तो डाल देते हैं अजीत ओके और ट्रैक टाइटल जो भी आपको डिटेल चाहिए आप यहां पर डाल सकते हैं ओके नेम ऑफ द प्रोड्यूसर कैन बी विमलेश इट कैन बी एंड नेम ऑफ द वन हु इज हेल्पिंग अस इन द रिकॉर्डिंग एंड इन टेक्नोलॉजी इज शानू ओके तो ये यहाँ पर हम डाल सकते हैं नाउ वी कैन गो अब इसको हम ओके बोल सकते हैं ओके बोलेंगे तो इट इज गोइंग टू मिक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं इट इज एक्सपोर्टिंग द प्रोग्राम प्रोग्राम इज एक्सपोर्टेड And it is now ready. We can play it back. V for Beethoven. तो भी देख लेते हैं. Click anywhere. Yes. हाँ. तो we are going to play back. आवाज तक जाएंगे फिर स्टॉप करें। श्रोताओं दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस SRG ग्रुप के सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आपने हमारे कार्यक्रमों को सुना और अब आज एक खास प्रोग्राम की पेशकश हम आपके लिए करने जा रहे हैं श्रोताओं मैं आपसे ये कह रहा था कि आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे म्यूजिक ऑल्सो इन साइलेंस तो आइए सुनते हैं आगे चलते हैं तो अब नॉइस रिडक्शन ये हमको मिलता है नॉइस रिडक्शन में इस समय हम जा सकते हैं We can go to effect. ये ड्रैग डाउन नहीं हो सकता क्या? नॉइस रिडक्शन यहाँ पर नीचे में एक है नॉइस रिडक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं यू कैन सेलेक्ट द फाइल एंड यू कैन अप्लाई दिस नॉइस रिडक्शन ये आपको मिलता है इफेक्ट्स में मिलेगा एनी काइंड ऑफ इफेक्ट्स इफ यू वांट टू हैव यू मस्ट गो टू द इफेक्ट मेन्यू और वहां से जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसको अगर मान लीजिए नॉइस है नॉइस रिडक्शन का क्या मतलब हुआ अगर आपने कहीं रिकॉर्ड किया है हल्का फुल्का नॉइस है एनवायरमेंटल नॉइस है तो शुरू में हल्का सा नॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए सो दैट इट कैन रिकॉग्नाइज कि क्या उसको रिड्यूस करना है मतलब कंप्यूटर को क्या पता ना वो तो पूरा साउंड को उड़ा देगा तो क्या है कि जहां पर का नॉइस है उसका एक सैंपल हमको उसको बताना पड़ता है
एंड अकॉर्डिंगली इट कैन रिड्यूस दैट पर्टिकुलर साउंड बाइट विच वी हैव टॉट हिम, जो हमने कंप्यूटर को सिखाया है. तो इससे ये हो जाता है. सो नाउ द प्रोग्राम इज रेडी. तो ये था. एनी क्वेश्चन? ओके. यस सर, योर वॉइस गोस लाउडर एट सम प्लेसेस, हाउ टू एडिट इट? तो वही सर, ये वही क्वेश्चन है, हाउ इफ द वॉइस ऑडियो लेवल इज हाई, हाउ टू रिड्यूस इट? हां, तो उसके लिए यू कैन गो टू एम्पलीट्यूड, गो टू इफेक्ट, एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई जहां पर है सबसे ऊपर में देखेंगे एम्पलीफाई लिखा है. आप एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं आवाज का लेवल अगर. लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है ना. इतना लाउड रिकॉर्ड मत कर दिए क्योंकि यानी ट्रीटेड साउंड बाइट वो ट्रीटेड ही दिखता है. तो अच्छा है कि हम एक अच्छा डिस्टेंस, कम से कम माइक का तरीका होता है, अगर ये माइक है करीब करीब एक दिखता है ना, इतना डिस्टेंस अगर है तो वी कैन डू लाइक दिस. सर प्लीज गिव एग्जांपल ऑफ नॉइज कैंसिलेशन, जिससे कि कोई डिस्टरबेंसी ना हो. ये वही हुआ ना सर, नॉइज रिमूवल जो आपने अभी बताया? वही हुआ, वही हुआ, सेम है वो. तो ये इफेक्ट में नॉइज रिडक्शन एक ऑप्शन है, आप उसके जरिए कर सकते हैं जैसा अभी सर ने डेमोंस्ट्रेट किया. और एक बार शो कर रहे हैं, देखिए इफेक्ट में आए नीचे आइए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका नॉइस रिडक्शन लिखा हुआ है, ये दिखाई पड़ रहा है. यू कैन सेलेक्ट द आई मीन डिजायरेबल साउंड बाइट एंड यू कैन यूज दिस. तो जो नॉइस है उसको ये रिड्यूस कर देगा. जैसे इतना में यूज करते हैं, यूज दिस सेलेक्टेड पोर्शन, यू कैन सी अगर यहाँ पर कुछ नॉइस है, कुछ है. ओके तो हाँ, गेट नॉइज प्रोफाइल तो वो तो है नहीं, कोई बात नहीं. तो इससे वी कैन रिड्यूस द साउंड. तो ये है. तो Audacity एंड वी हैव वर्क्ड विद टू ट्रैक्स दिस मॉर्निंग. दो ट्रैक हमने यूज किया, लेकिन यू कैन इवन गो फॉर थ्री ट्रैक्स, फोर ट्रैक्स लाइक, बट फोर तक मत जाइए, तीन तक ठीक है. यू कैन हैव अ साउंड इफेक्ट ऑफ ए बर्ड, यू कैन हैव द साउंड इफेक्ट ऑफ द ट्रैफिक, यू कैन हैव द साउंड इफेक्ट ऑफ द थंडर. Whatsoever, it depends on the requirement of your script. And as in the beginning I spoke that try to write as much as possible so that the sounds can be accommodated. So write in terms of the sound, like your script must allow some sounds to come, otherwise we won't be able to do anything. So sound effect plus music. And for music actually it depends on the emotion, what kind of emotions do you have. Emotion hi nahi hai. If I speak something on economics तो वो बात तो बिल्कुल अलग हो जाएगी, है ना. तो इसके बाद फिर हम इसको आराम से कर सकते हैं. तो वी कैन डू लाइक दिस, ऐसा कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आज के सेशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. मैं सभी से बोलूंगी कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो साथ साथ करिए, क्योंकि मेरे लिए यहाँ से चेक करना पॉसिबल नहीं है कि आप लोग कंप्यूटर के आगे हैं या नहीं है. तो आप प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए, हमारे पास आधा घंटा है, आपके जो भी सवाल है वो हम लोग ले सकते हैं इस टाइम पे. सर एक सवाल आ रहा है, हाउ टू चेंज साउंड स्पीड के लिए, एक मिनट, वो पिच होगा इसमें ना, इफेक्ट में ही होगा. हाँ, चेंज स्पीड लिखा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं. चेंज पिच भी हो सकता है, चेंज पिच में मेल वॉइस को थोड़ा सा फीमेल कर सकते हैं. और अगर स्पीड बढ़ाना है तो ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वो जो आता है ना उसमें एफएफ का जो आपका एड आता है, जल्दी से बोलते हैं, फनी भी लगता है, उनका टाइम भी बचता है क्योंकि हर सेकेंड का पैसा लगता है. ये है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ऐसे होता है. तो इसको थोड़ा फास्ट करके दिखा दो. विजय जी ने यूपी से बोला है, अजीत होरो सर जी जिस सॉफ्टवेयर में बता रहे हैं क्या वह फ्री है? सर ये केवल फ्री नहीं है, ये ओपन सोर्स भी है, इसीलिए बताया जा रहा है, इसलिए इसको बता रहे हैं. ये सॉफ्टवेयर आपका, ये आपका फ्री अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, इसका कोई लाइसेंस नहीं है. देखते हैं, हाँ सुनते हैं.
श्रोताओं, दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस SRG ग्रुप के सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आपने हमारे कार्यक्रमों को सुना और अब आज एक खास प्रोग्राम की पेशकश हम आपके लिए करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ओके डन। हेलो, अब आप लोग की कोई और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या और कोई ऑडियो से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप चैट में लिख सकते हैं, पर पहले आप ट्राई जरूर करें क्योंकि बिना ट्राई करे आप सवाल तो पूछ लेंगे पर एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच हमारी ओर से, इट इज ओवर। जी सर, जगदीश जी ने बोला हाउ टू रिमूव साउंड, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसी को पकड़ के डिलीट कर दीजिए आप, रिमूव हो जाएगी। हाँ, सेलेक्ट में जाइए, डिलीट कर दीजिए प्लीज, डिफरेंट साउंड इफेक्ट, डिलीशन इज आल्सो रिमूवल ना, प्रीबिल्ट है, हाउ टू चेंज, डिलीशन इज आल्सो रिमूवल। सो थैंक यू वेरी मच रिचा मैम, यूपी से आप कह रही है दोबारा बताएं, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये रिकॉर्डिंग मैंने जैसा कि बोला मुझे एक दो दिन का समय दीजिए, आपको अवेलेबल हो जाएंगी वेब पेज पे तो आपको मिल जाएगी, दोबारा डेमोन्स्ट्रेशन पूरा तो पॉसिबल नहीं है अभी सर के लिए। नहीं, वो तो पूरा जाना पड़ेगा एंड इट विल टेक टाइम और आप लोग को हैंड्स ऑन का समय नहीं मिलेगा। सर आप लोग ट्राई करना शुरू करिए मेरे हिसाब से, जिसका सवाल है केवल वही लिखे, अलग से कभी टाइम मिलेगा तो अगर आधा घंटा बाद में दे दें तो इन लोग के लिए कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी तो आप लोग को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी चाहिए। मैम, नॉइस प्रोफाइल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा सा एम्बियंस साउंड को रिकॉर्ड कर ले और उसको जब हम नॉइस साउंड उसमें जाते हैं रिडक्शन में, वहां नॉइस प्रोफाइल सिलेक्ट करने को बोलते हैं, वहां सिलेक्ट करके अप्लाई, उसको सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। और कोशिश कीजिए कि कंबल ओढ़ के रिकॉर्ड कीजिए, है ना, मतलब ये कि कोई ऐसा कमरा रहे जहां पर ज्यादा साउंड ना हो। अब हम बोले कि सॉफ्टवेयर कैन डू सो आई विल गो एंड रिकॉर्ड एनीवेयर, तो वो गड़बड़ है ना। जस्ट बी वेरी केयरफुल कि नॉइस कम से कम हो, क्योंकि ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट एंड ओरिजिनल इज ओरिजिनल, है ना। सर साउंड इफेक्ट्स आप ऑनलाइन, जैसा सर ने बोला है म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स ऑनलाइन ओपन सोर्स भी ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। आपके सवालों में से एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिससे मुझे लगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग केवल पूछने के लिए पूछते जा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कीजिए, आपके असाइनमेंट्स भी हैं, आपको सबमिट भी करने हैं, उसमें ट्यूटोरियल भी है। जी, मैंने शेयर किया था सर चैट में। हाँ, तो धन्यवाद बोलना चाहिए। सर हम वेट कर रहे हैं कि अगर कोई लॉजिकल सवाल है तो हम मदद जरूर करें सबकी। हाँ, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हो सकता है उनका कोई सवाल हो। कोई लिख रहा है देयर शुड बी सेपरेट 5 डेज प्रोग्राम फॉर ऑडियो रिसोर्स ट्रेनिंग, 5 दिन का कर लीजिए, एक पूरा ड्रामा, सारी स्क्रिप्ट हो जाएगी। सर आप अपने स्टेट के साथ प्लान करिए, सर आ जाएंगे आपके पास एज रिसोर्स। आप लोग प्लान कर लीजिए, एंटायर टीम कैन बी देयर। क्या बात है, कोई गुड बाय भी नहीं बोलता है, थैंक यू भी नहीं बोलता है, क्या बोलता है। Which mic is suitable for recording? Suitable for recording, जी मैं भी वही देख रही थी सर। कोई भी माइक हो सकता है। Does Boya B1 solves the purpose? थैंक यू वेरी मच, आप लोग के चैट्स को देख रहा हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग पर भी अलग से हो सकता है, अलग अलग स्टेट भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग अपने स्टेट की ओर से ऑर्गेनाइज करते हैं तो इट विल बी नाइस। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो प्लीज वो पूछिए, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं।
सरिता कुमारी जी राजस्थान से आप कुछ पूछना चाहते हैं या गलती से हैंड रेस किया आपने? सरिता कुमारी राजस्थान से अगर आपने गलती से किया तो मैं हटा देती हूँ, अगर कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। निर्मल गुलिया जी आपने पूछा है कि नॉइज रिडक्शन तो क्लियर हो गया है पर इसको क्यों करना है और कहाँ करना है ये समझाएं। तो मैम क्या होता है जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो कई बार पंखे की साउंड, वैसे तो हम बंद करके करेंगे बट कोई भी एम्बियंस की साउंड जो हल्की फुल्की होती है वो हल्का फुल्का, हल्का फुल्का ट्रैफिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि साउंड कम से कम हो, एनवायरमेंटल साउंड रिड्यूस करने से ना, वही बार बार बोल रहा हूँ, ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट, वो अलग से दिखता है, लेकिन अगर ओरिजिनल रिकॉर्ड कर लें तो बहुत अच्छा है। और अगर कोई कविता रिकॉर्ड करनी है ऐसे रूम में जाइए जहां पर ज्यादा, एक बार ताली बजा करके देखिए, देखिए स्टूडियो में बजा रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ पर कोई आवाज गूंज नहीं रही है। अगर एक खाली रूम होगा तो वहां पर आवाज गूंजेगी, तो जहां पर कुछ कपड़े ज्यादा हो, कुछ और हो, एक आध दो कंबल रख लीजिए, है ना, साउंड एब्जॉर्ब होनी चाहिए, देन द क्वालिटी विल कम, अदरवाइज एक नेचुरल इको आपको मिल जाएगा रूम में, वो तो गड़बड़ है ना, तो साउंड ठीक ठाक होनी चाहिए। हाँ, ट्यूटोरियल लिंक वो आपको मिल जाएगा, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे धीमा किया था वो, उसमें जाएंगे ना एनवेलप में, तो ऑलरेडी एनवेलप में जा करके, एक मिनट आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन है, एनवेलप ये वाला है, ये वाला है जहां पर अभी दिखाई पड़ रहा है ना, ये रहा, बस यहाँ पर जाएंगे तो ये एनवेलप बना देगा, नीचे की लाइन को आप ड्रैग डाउन कर सकते हैं, ड्रैग अप कर सकते हैं, इससे आप साउंड को कम बेसी कर सकते हैं। या आपने एम्पलीफिकेशन में पूछा तो एम्पलीफिकेशन में जाइए। Where we have to write points, sir? How much to keep the normalized peak amplitude? सामान्य जो सुनाई पड़ता है। परवेज जी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है डाउनलोड करने में? आप अपने कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। सर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए बहुत सारी साइट्स हैं, जैसा कि सर ने बोला आप लिखिए रॉयल्टी फ्री म्यूजिक तो आप उसको ले सकते हैं वहां से। और आपका freeplaymusic.com है, आप यहां से भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा तो सजेशन मैं ये दूंगा कि कोई हारमोनियम ही बजाता हो, कोई गिटार ही बजाता हो, मतलब स्कूल के बच्चों को भी बजवा के बहुत अच्छा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो कॉपीराइट की का कोई झमेला उसमें नहीं होता है। ऑडिसिटी ऐप डाउनलोड हो गया है, स्टार्ट, ठीक है, गुड। सर अभी रूही मैम अभी लिखा फ्री प्ले म्यूजिक, या फिर आप खुद अपना भी किसी से रिकॉर्ड करवा सकते हैं। नहीं, यहाँ पर आप लिख रहे हैं ग्री प्ले म्यूजिक, इसको नहीं, फ्री सर, मैंने दोबारा लिख दिया। अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा, ऑडिसिटी ऐप, ठीक है, ठीक है, गुड गुड। सर क्या रूबीना मैम क्या प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने में? प्लीज राइट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम व्हाट यू आर फेसिंग सो दैट वी कैन हेल्प यू। या या नीचे ये उतना ही है सर। नहीं नहीं, मुझको टाइप करना। ओके, सर व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम ट्रैक, एक सवाल आया है। हाँ, टाइम ट्रैक का क्या यूज है? टाइम ट्रैक कौन सा वाला है सर? क्या टाइम ट्रैक मतलब ये, व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम ट्रैक लिखा है मैम, कहाँ पे है ये टाइम ट्रैक एक बार आप बताइए तो बस सर बता पाएंगे। नहीं, टाइम ट्रैक कहाँ पर है, क्या है ये? नहीं, टाइम ट्रैक तो ये है कि ऊपर में अगर आप देख रहे हैं ना, टाइम ट्रैक इज यूज फॉर कंजंक्शन विद वन मोर ऑडियो ट्रैक्स टू प्रोग्रेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज द प्लेबैक स्पीड, ये प्लेबैक स्पीड को कम करने या ज्यादा करने के लिए, जैसे अगर आप उसमें यूट्यूब में जाएंगे तो अलग अलग स्पीड में आप सुन सकते हैं, है ना, दैट इज द टाइम ट्रैक। सॉफ्टवेयर हैव कॉपी पेस्ट, अच्छा सर, सॉफ्टवेयर हैव कॉपी पेस्ट, इट इज फंक्शन सिमिलर टू एमएस वर्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एमएस वर्ड में जो जो फैसिलिटी डिलीट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी करेंगे तो आपका ये आपका पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट जाएगा, वही वही सेम, ऑलमोस्ट वही कमांड, ऑलमोस्ट।
हाउ कैन रिकॉर्डिंग स्टार्ट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट के लाल बटन दबाइए, डबल एरो बटन इज नॉट विजिबल, हाउ टू एनेबल इट। डबल एरो बटन है ना, दिखाई तो पड़ रहा है, डबल एरो बटन वहां पर ये कीजिए, यस डबल एरो बटन इज दैट। मनीष जी मेन्यू में ऊपर जहाँ पे 6 बटन एक साथ है वहीं पे है वो रिकॉर्डिंग बटन के थोड़ा साइड पे, आप देखिए ध्यान से। हाँ यहाँ पर है वो। मोहम्मद ईसा जी आप डेफिनेटली जब अपना प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम के साथ ही सेव करते हुए मेटा डेटा भर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लीज एक्सप्लेन द यूज ऑफ लूप ऑन लूप ऑफ, यूज ऑफ लूप। ये बहुत आगे की चीज है, ये तो जैसे कोई म्यूजिक है, कोई अगर मान लिया म्यूजिक पीस है, लूप मतलब बार बार उसी को रिपीट करना जी। है ना, मान लिया कोई छोटा सा म्यूजिक पीस है, आप चाहते हैं कि उसको लूप में डाल दें तो वो आपका लूप में चलता रहेगा, यानी उसके बाद फिर इट बिकम्स अ साइकिल काइंड ऑफ थिंग, तो लूप हम उसको। ये डबल बटन नॉट शोइंग बहुत लोग लिख रहे हैं, सर एक बार आपका स्क्रीन शेयर बंद करवा दीजिए, मैं इनको कहती हूँ। ईशा आनंद जी चंडीगढ़ से आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करिए, ईशा आनंद जी चंडीगढ़ से, या आशुतोष जी यूपी से प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करिए, तो मैं आपको बता पाऊंगी क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज शेयर योर स्क्रीन, होस्ट प्लीज गिव देम द राइट्स। यस मैम दे दिए। हाँ जी थैंक यू। अभी सब लोग देख लें जो डबल एरो की प्रॉब्लम बता रहे थे, वो हम अभी यहाँ पे देख के सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्या स्क्रीन नजर आने लग गया सर आपको, आया यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है? नहीं मुझे भी अभी नहीं दिख रहा। आशुतोष सर एक बार दोबारा से कर दीजिए आप, ये डाउनलोड दोबारा कर लें, स्टॉप करके दोबारा एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। आधा दिख रहा है यानी पूरा डाउनलोड नहीं हुआ है। नेटवर्क कभी हुआ ना? हाँ सर हो सकता है, मैंने सोचा मेरा नेटवर्क स्लो होगा इसलिए आपसे पूछा। नेटवर्क भी हो सकता है, मोबाइल के हेडफोन को लैपटॉप में लगाकर। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हेडफोन तो सुनने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको मोबाइल में सीधा रिकॉर्ड कीजिए स्ट्रेट। ऐसे आजकल माइक आते हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हैं उसमें, तो हेडफोन नहीं होगा माइक होगा वो। चंडीगढ़ से एक मैम थे, वो अगर अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा दें एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो डबल एरो की। ओके सो समबडी इज आस्किंग हाउ टू डाउनलोड द ऑडेसिटी ऐप, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, जस्ट सी नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल। अजीत सर मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ अभी कीजिए, अभी कीजिए। हाँ आपकी स्क्रीन दिख रही है। ठीक है सर, अभी मैंने सभी लोग देख लें, ये मैंने ऑडेसिटी सिंपली गूगल पे लिखा है। हाँ, ये पेज आता है डाउनलोड ऑडेसिटी वाला, audacityteam.org ये ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, आपको किसके अकॉर्डिंग डाउनलोड करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जाए? थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है इसीलिए टाइम लगेगा, बट मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ। ये विंडोज वाला मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे इसके इतने सारे वर्जन्स हैं, आप कोई भी आप अपने सिस्टम के हिसाब से थोड़ा पुराना ले सकते हैं, जैसे विंडोज 7 में किसी को प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं अभी ये बिट इंस्टॉलर ले रही हूँ, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर मी। ये भी ठीक है, ये आपका 2 पॉइंट भी ठीक है जी, जिनको इसमें प्रॉब्लम आ रही है उनका कंप्यूटर पुराना है तो वो 2 पॉइंट वाला वर्जन उठा ले, वो उसमें 2 पॉइंट वाला इजीली वो ऑलमोस्ट सब में काम करता है जी।
नीचे जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी दी हुई है, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमको कौन सा सूटेबल रहेगा या क्या करें, तो थोड़ा पुराना लेकर के अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चूज कर लीजिए। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही डाउनलोड होगा ये exe फाइल है, exe मतलब प्रोग्राम फाइल है जिसको हमें रन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कल रन कर रहे थे VUE को, वैसे ही इसको भी रन करना पड़ेगा, तो ये ऑफलाइन फिर हम इसको यूज कर पाएंगे Audacity को। ठीक है, सही चल रहा है। प्रतिभा मैम, ये कौन सा इफेक्ट है, क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए, केवल सवाल नहीं पूछना उसे नहीं होगा, नहीं आपको करने से ही समझ में आएगा। हर चीज का सवाल का जवाब नहीं हो सकता है, ये हो गया है ऑडियो डक इफेक्ट, वो तो सर वही मैंने बोला, वो एक बार पहले बेसिक कर लीजिए फिर इन पे जाइए, आप सिर्फ नाम पूछते जा रहे हैं, आपके किसी काम नहीं आएगा वो। यहाँ पे आप देखिए मेरा Audacity इंस्टॉल सॉरी डाउनलोड हो गया है, अब मैं इसको डबल क्लिक करके ये रन कर रही हूँ सिंपली। रन करने पर ये आपसे पूछता है कि डू यू वॉन्ट Audacity टू मेक चेंजेस टू योर कंप्यूटर, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर में एड हो रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट की है, नेक्स्ट, ये आपको सारी ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, नेक्स्ट करते जाइए, डेस्कटॉप आइकन चाहिए तो आप रख सकते हैं, एंड इंस्टॉल, चार पांच बार आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल वाला बटन प्रेस करना है। नाउ लॉन्च, अभी Audacity मेरे कंप्यूटर पे डायरेक्टली खुलेगा क्योंकि मैंने उसे लॉन्च करने के लिए कहा है। ये देखिए ये खुलना शुरू हो चुका है। आगे जी, ये मेरा 3.1 है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ हेल्प के बटन भी आ रहे हैं, मैनुअल की ऑप्शन भी आ रही है, कोई लिंक की मुझे जरूरत नहीं है, यहीं से आप उनपे क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए मैंने अभी आपके सामने फ्रेश डाउनलोड किया है, ये है आपका एनवेलप बटन जो डबल एरो आपको दिख रहा था, और आपको सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन बटन है, ये जूम इन जूम आउट बटन है, ये ड्रॉ टूल है, और यहाँ पे आपने ट्रैक ऐड करने हैं। आपको बेसिक बताया जा रहा है, बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आप धीरे धीरे सारी चीजें यूज करके देख सकते हैं यूजिंग द मैनुअल। ये इफेक्ट है, यहाँ पे एक दो सर ने बता दिए, जैसे कि सर ने एम्पलीफाई बताया, नॉइस रिडक्शन बताया, उसी तरह आप एको भी यूज कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, एक एक को आप बोलेंगे कि एक्सप्लेन करिए तो इतनी देर में पॉसिबल डेफिनेटली नहीं है, तो आपको बेसिक एक बता दिया किस तरह से ये यूज करते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। आई थिंक द डाउनलोडिंग क्वेश्चन इज सॉल्व नाउ। मैम स्टेप बाय स्टेप बताना, जैसे रेड से हमने स्टार्ट किया जो रेड डॉट है ना, और उसके बाद हम मिक्सिंग कर रहे हैं सब कर रहे हैं, फिर मैम जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप रेड से स्टार्ट करें, अगर आपने फोन पे रिकॉर्ड किया होगा तो आप वो फाइल डायरेक्टली ट्रैक में ऐड कर सकते हैं। ओके, और अगर हम इसी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी में रिकॉर्ड करना है तो आप रेड से रिकॉर्ड करेंगे, बाकी आपको प्ले स्टॉप सारे बटन पता है, जैसे हम लोग पहले भी करते थे अपने रेडियो या उसके अंदर, वो सारे ये बटन सेम है, सिर्फ रिकॉर्डिंग का ये रेड बटन है। उसके बाद एक बार जब रिकॉर्ड हो गया तो आप एक ट्रैक ऐड करके म्यूजिक लगा सकते हैं, एक ट्रैक ऐड करके साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हैं, और अपने इफेक्ट्स जो सर ने बताए उनको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स, थैंक यू। ओके, I think everything is clear now. All clear, sir. अच्छा लगा सबके साथ. It was a nice time. Sir, आप मनीष वर्मा जी, आप कह रहे double arrow button not visible in your installed software. हाँ, आपके वाले में नहीं दिख रहा है. मेरे वाले में? हाँ. क्या कौन सा बटन था सर, आप बताइए, मैं ढूंढ के निकालती हूँ उसको अभी. Double arrow. मैं एक बार शेयर करती हूँ, आप बताइए, या तो या आप अपना दिखा दीजिए एक बार. क्या हमारा वाला?
हाँ कौन सा बटन की बात हो रही है मेरे को तो खुद ही। अरे डबल एरो जिससे वो ड्रैग करते हैं ना। अच्छा अच्छा ड्रैग करने वाला, ड्रैग करके जिसने वो साउंड ये फाइल को ड्रैग करके बीच में लाए थे ना। हाँ। वाला वाला सर अभी एक्चुअली मैंने सिर्फ डाउनलोड किया, जब मैं ट्रैक ऐड करूंगी तो बाकी के बटन तो तभी आएंगे। हाँ बिल्कुल मैम, मैंने डबल ट्रैक डाउनलोड किया लेकिन शो नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, अभी मैं शेयर माय स्क्रीन। हाँ प्लीज शेयर कीजिए सर, फीचर तो बदले नहीं है वही है। मैम मेरे में भी डबल एरो नहीं आ रहा है, बट आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, एक हैंड का सिंबल आ रहा है जब हम जा रहे हैं। एग्जैक्टली हो सकता है। सुनिए हेलो हेलो, हाँ जी, ये आपका 3.1 में ना सिलेक्शन टूल से ही आप ड्रैग कर सकते हो। यस सर, मैं वही कहने वाली थी कि आपका सिंबल चेंज हो गया है नए वर्जन में, डबल एरो की जगह आपका हैंड सिंबल आ रहा है। मैम ने अच्छा याद दिला दिया मुझे, मैं अभी आपका पॉइंट समझी। So when you select any part, then you can use the select button and then you have the hand button there. Monica ma'am, can you explain please noise wala jo option hai, please ek baar bata do. Effect mein jayenge, sabse pehle to jab apne recording ki to uske andar definitely thoda sa na blank, jaise maan lijiye abhi meri recording ho rahi hai to main thodi der chup rahu to jo ambient sound hai wo record ho gayi. Uske baad maine effect mein gaya, इफेक्ट में जाकर के मैंने नॉइस रिडक्शन की ऑप्शन को चूज करना है। नॉइस रिडक्शन की ऑप्शन के अंदर है गेट मोनिका मैम, नॉइस रिडक्शन जो है वो डिसेबल है तो उसको अनेबल कैसे करेंगे? आई थिंक कुछ हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। आप सिलेक्ट करेंगे तब होगा। नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है, बिना सिलेक्ट किए भी चल जाता है। आ रहा है नॉइस रिडक्शन सर की स्क्रीन पे, थोड़ा नीचे आई थिंक सर ने सिलेक्ट किया हुआ है तभी आ रहा है, क्योंकि यस स्क्रीन में दिख रहा है। एक बार आप सिलेक्ट कर, नहीं हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। मोनिका मैम एक, हाँ जी हाँ जी मैम, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया, मैं ना आपको भी देखे सुनाती हूँ, तो ये पता नहीं कैसे हो गया और मेरे से ठीक नहीं हो पा रहा, तो मतलब बाद में भी हो सकता है। मैम आप सभी लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो सर ने बताए हैं बेसिक है, मैंने अभी आपको दिखाया था, पूरा मैनुअल है उसका, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो जब ये ऑडियो अवेलेबल हो जाएगा ये वीडियो पूरा, प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। So, मैं ये कह रही थी कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है कुछ तो आपके सेशन की रिकॉर्डिंग देख करके हो जाएंगे, नहीं तो आप इसका मैनुअल है आप उसको एक बार देख लीजिएगा कहीं अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है तो। और नॉइस रिडक्शन का बटन आता है बिना सिलेक्शन के भी और विद सिलेक्शन भी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है तो आप एक बार सिलेक्ट करके चॉइस करके देख लीजिए। मोहम्मद मुस्तफा कमल जी, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप 2 पॉइंट वाला वर्जन यूज करिए, 3 पॉइंट वाला मत करिए। आपका पुराना वो है विंडोज, तो आप प्लीज थोड़ा सा पुराना वाला ही ऑडेसिटी का वर्जन यूज करिए, आपकी प्रॉब्लम उससे सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब मैं मोबाइल पे आप यूज नहीं कर सकते हैं ऑडेसिटी जी, मोबाइल के लिए ये ऐप नहीं है। अब मैं रिक्वेस्ट करूं, मैं सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगी अजीत सर को इतना अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए और आप हमारे सबके क्वेश्चंस लेने के लिए। थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड ऑल द एफर्ट्स विच यू हैव गिवन अस विद द एवर परसिस्टिंग स्माइल ऑन योर फेस। आप हमेशा माइक्रोफोन में मुस्कुराते, ऐसे ही मुस्कुराते रहे और हमें भी मुस्कुराने पर मजबूर करते रहे। थैंक यू सर। नाउ जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अभी 10 मिनट के लिए हम लोग OER वाले कोर्स की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, सर अगर अभी आप हैं पंजाब से थे शायद सर वो अभी मैंने और एक सर अजीत सर आप अगर आप चाहें तो आप लीव भी कर सकते हैं। जी 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 सो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुरमेल सर थे शायद सुबह जिन्होंने बोला था कि वो एक बार बता देंगे, अगर वो भी हैं
उनको प्लीज परमिशन दे दीजिए वीडियो ऑन करने की और स्क्रीन शेयर करने की, तो वो सबको थोड़ा सा बता देंगे। गुरमेल सर आप हैं ना अभी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए सर। जी मैम, शुक्रिया मैम। तो मैं स्क्रीन शेयर करने चाहता हूँ। हाँ जी, हो रही है मैम, ठीक है। आप सभी लोग प्लीज एक बार अटेंटिव हो जाइए इधर, सर की स्क्रीन हमारे साथ शेयर्ड है। सर हमें OER वाले कोर्स का पूरा एक बार, जैसे उन्होंने किया अभी अभी आप लोगों के साथ ही उन्होंने किया है, तो वो आपको एक बार बता देंगे। सर एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग से बता दीजिएगा। हाँ जी, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी सर जी। एक सेकेंड सर, चलिए ठीक है, हाँ कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, तो मैंने क्या किया कि वहां से गूगल वो सॉरी व्हाट्सएप चैट में जो लिंक पड़ा हुआ था वो लिंक को कॉपी कर लिया है वहां पे, और यहाँ ये जो मेरा गूगल क्रोम है जो इसमें पेस्ट कर दिया और इसको ओपन कर लिया, ठीक है जी। तो अभी इस पे ये जो कोर्स है उसका डिस्क्रिप्शन आ गया है, एनरोल नाउ पे जाते हैं तब ये लॉग इन वाला पेज आ गया, ठीक है। तो इसमें मैं पहले आपको एक गलती करके बताऊंगा, उसके बाद सही चीज बताऊंगा। तो ये मेरा एक अकाउंट है जिसको जब मैंने इसके क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करने की कोशिश करी तो ये आ गया द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है जी। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। तो अगर आपको ये पासवर्ड इज इनकरेक्ट वाला आता है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोर्स नहीं खुल पाएगा, ठीक है। तो आपको एक और कोई अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। So, मैंने दूसरा अकाउंट बना रखा है, वो मैं उसके क्रेडेंशियल्स डाल रहा हूं अभी। तो इसको मैंने लॉगिन करने की कोशिश की तो इसने ये इसके ऊपर वो रॉन्ग पासवर्ड वाला मैसेज नहीं आया, तो इसका मतलब है कि अभी लॉगिन हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ ऊपर एड्रेस बार में दोबारा वही वाला एड्रेस में पेस्ट कर दिया और इसको एंटर को दबाया। अब ये देखिए ऊपर मेरा नाम आ गया ये वाला, है ना। तो मतलब ये हो गया कि मैं लॉगिन हो चुका था, तो खाली ये वाला स्क्रीन नहीं आया था। तो इसके बाद मैं दोबारा नीचे जाके एनरोल नाउ पे जाता हूँ और अब ये देखिए कोर्स खुल चुका है। बस इतना ही है मैम। गुरमेल सर, जैसे मैं आईडी और पासवर्ड डालती तो ईमेल आईडी इनकरेक्ट दिखाता है ना कि पासवर्ड? नहीं, अगर आपका इनकरेक्ट दिखा रहा है तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा ना। आपका वो जो आपने जो ईमेल आईडी इनकरेक्ट बता रहा है, इसका मतलब है कि उस ईमेल आईडी का ये अकाउंट नहीं बना हुआ, उसका मतलब सिर्फ ये है। सर एक्चुअली हमारे में ये नहीं बता रहा कि इनकरेक्ट है, हमारे में ये कहा जा रहा है यू विल बी सेंट अ मेल फॉर वेरिफिकेशन। नहीं, उसके नहीं, उस मेल की जरूरत नहीं है मैम, मेरे को भी नई मेल कोई रिसीव हुई थी। आपने जस्ट जो अकाउंट बनाया था उसका उसके जो क्रेडेंशियल्स आपको याद होने चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस और जो जो आपका पासवर्ड था, ठीक है। सो पासवर्ड से जैसे ही आप उसको उसमें लॉगिन करेंगे तो जैसे मैंने दिखाया था वो कुछ नहीं आया स्क्रीन के ऊपर, है ना, वो खाली वही स्क्रीन रिपीट हो गई थी। लेकिन एक्चुअली वो लॉगिन हो चुका था, उसको कंफर्म करने के लिए मैंने क्या किया कि इसमें एड्रेस बार में दोबारा यहाँ पे एड्रेस डाला था और वो खुल गया था, है ना, ऐसे यहाँ पर जैसे ये देखिए मैंने। गुरमेल सर, क्या पासवर्ड में कोई विशेष सावधानी बरतनी होगी बनाते वक्त? पासवर्ड में अब जैसे आजकल ट्रेंड है वो एक तो अल्फान्यूमेरिकल होना चाहिए, है ना। उसका मतलब अल्फान्यूमेरिकल का मतलब कि आधे अक्षर बोल इंग्लिश जैसे लेटर्स होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। ठीक है सर, हम लोगों ने ट्राई किया फिर भी नहीं। हाँ जी, और एक कोई स्पेशल कैटेगरी डाल दीजिए सर उसमें, कोई एट द रेट डाल दीजिए। मेरी एक क्वेरी है गुरमेल सर जी। सर जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे आपका कोर्स डिटेल हाइफन आ गया, बैकस्लैश आ गया, हमारे में यहाँ एरर ही शो करता रहता है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो एरर वाला ही पेज खुलता है? नहीं मैम, वो नहीं आना चाहिए। आप जब कॉपी जहाँ से किया आपने कॉपी वो वहाँ पे ये था ऐसे कोर्स डिटेल्स बन। सर ये वेलकम वाला जैसे हाइफन के बाद हमारा एरर वाला हाइफन बैकस्लैश के बाद एरर शो करता है, वेलकम और कोर्स डिटेल वाले हाइफन आते ही नहीं है, तो हम जब कॉपी पेस्ट करते हैं अगेन एरर वाली स्क्रीन खुल जाती है। सर मैम आप गलत वाला आप उसको टाइप कर दीजिए ना आपने। हाँ, आप वो ना लिंक किसी ने डाला होगा, आपने वो लिंक उठा लिया होगा, तो आप ग्रुप में से सही वाला पहला लिंक जो था ना फर्स्ट लिंक वही वाला डालिए। और कुछ लोगों को अभी मैं चैट पे पढ़ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि शायद लोगों ने रजिस्टर नहीं किया, डायरेक्ट लॉग इन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लॉग इन तो होगा ही नहीं, पहले रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा।
कुछ लोगों का हो पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी भी थोड़ी टेक्निकल कुछ कमी आ रही है मैम। ये ब्राउजर का कोई चक्कर नहीं है, ये देखिए मैं अभी मोनिका मैम आपको ना एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सेंड कर दें वीडियो ग्रुप में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम अगर आप ग्रुप में देखेंगे ना, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके ऑलरेडी सेंड कर दी है। मोनिका मैम लिंक को रीशेयर कर दीजिए प्लीज। जैसे सुबह आपने बताया था उसके बाद मैंने सेम ये प्रोसेस ट्राई किया और ये हो गया। ग्लिच इसमें यही है कि वो लॉगिन होने के बाद शो नहीं करता है, तो एक बार इनको दोबारा यही बता दीजिए। मेरा हो गया सुबह से, मैंने आपके बताने के बाद एग्जैक्ट ट्राई किया तो पहले बार में हो गया मेरा भी। मैंने जस्ट ग्लिच ही आता है लॉगिन होने के बाद, बस ये स्क्रीन वही दिखा देता है वापस से। नहीं मैं अभी दोबारा फिर दिखाने जा रहा हूँ मैं, देखिए बिल्कुल मैंने अभी किया है मैम, ये हो रहा है ऐसे हो रहा है। ये लॉगिन होने के बाद राइट साइड कॉर्नर में आपका नाम दिखाता है और उसके बाद आपको कोर्स डिटेल में आप जाते हैं तो वहां पे कुछ एरर आता है, तो उस वक्त आप देख लीजिए थोड़ा ऊपर लॉन्च का बटन एक आ जाएगा, उस लॉन्च को अगर आप दबाएंगे तो खुद ब खुद आप उधर आ जाते हो कोर्स में। ये जो अगर हम कोर्स डिटेल वगैरह देखेंगे तो कभी कभी ये सॉफ्टवेयर खुद ही थोड़ा स्लो लगता है तो उसमें कुछ एरर दिखाता है कभी कभी। अब ये देखिए मैंने उसको इसमें किया था, देखिए सभी लोग अगर थोड़ा सा शांत रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सर से हेल्प कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं सबके लिए। वीडियो जो सर ने अभी अभी जितना बोला वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था फोन से ही और ग्रुप पे डाल दिया, वो अपलोड हो रहा है आई थिंक अनदर 5 मिनट्स में मिल जाएगा। लिंक जो सर कह रहे हैं दोबारा लिंक कॉपी पेस्ट कर दो आफ्टर लॉग इन, तो आप मैंने वो लिंक भी दोबारा ग्रुप में डाल दिया है सो देट आपको हेल्प हो जाए। अब सर दूसरे ब्राउजर पे दिखा रहे हैं, एक बार आप लोग आराम से देख लें पहले। हाँ जी, अब देखिए मैंने ये दूसरे ब्राउजर में भी अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दिया था लेकिन दोबारा यही स्क्रीन आ गई है ना। लेकिन ऊपर देखिए आप अगर एड्रेस बार में देखेंगे वहां पे वेरीफाई ईमेल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं दोबारा फिर वो वाला लिंक जो पहले ग्रुप से उठाया था वही वाला लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं एंटर दबाने जा रहा हूँ और अब देखिए लॉगिन हो चुका है ना। मतलब स्क्रीन जब लॉगिन को प्रेस किया था तो वो दूसरी वाली स्क्रीन ही आई थी, लेकिन जब मैं गया ये वाली स्क्रीन ही आएगी बार बार, आप चाहे 100 बार कर लो ट्राई। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ लिंक एड्रेस बार में जाके वही वाला लिंक डालना पड़ेगा और फिर एंटर करना पड़ेगा, तो फिर आप लॉगिन हो चुके होंगे। ये देखिए तो ये मेरे पास 3 ब्राउजर मैंने सभी में ट्राई करके देखा, ये ठीक है जी, मतलब काम करता है। थैंक यू सर, ठीक है मैम, थैंक यू मेल सर। मैंने ये वीडियो बना के डाल दिया है ग्रुप में, जिस जिसको हेल्प उससे हो सके। एक्सक्यूज मी मैम। हां जी, हां शिल्पा जी बोलिए। मैम हम ट्राई कर रहे हैं बार बार, हमने दूसरे आईडी से भी ट्राई किया और इस बार भी जो सर ने जिस तरह से प्रोसेस बताया पूरा उसी तरह से किया, लेकिन फिर भी लॉगिन नहीं कर पाया। मैम आपने जो बाद में कॉपी पेस्ट किया आफ्टर वेरीफाई वाला जो था लॉगिन करने के बाद, वो कौन सा लिंक पेस्ट किया? मैम जो यहाँ से कॉपी किया वो वाला किया है हमने, सर ने बताया था ना कि दोबारा से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है। हाँ, वो यूज़ तब तो हो जाना चाहिए, दोबारा कॉपी नहीं करना। फिर भी वो इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है मैम। अल्पा जी दोबारा कॉपी नहीं करना, दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं है अल्पा मैम, वो पहले वाला लिंक ही चलेगा। अच्छा तो सर हमने दोबारा से वहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, लेकिन दोबारा खाली पेस्ट करना। आप अपने स्क्रीन शेयर करके देख लो। पेस्ट किया हुआ है अल्पा मैम। अल्पा मैम एक सेकंड, आप स्क्रीन शेयर करिए अपनी। अच्छा मैम अब ये हम एक बार लास्ट पार्ट किसी की भी स्क्रीन रैंडमली देख रहे हैं तो उससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अभी किसी ने लिखा है कि मेल उनको स्पैम में रिलीज हो रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो वो भी किसी को कैसे आ रहा है। ये टेक्निकल वो है, ये बिकॉज ऑफ द मेमोरी कुकीज उसकी वजह से ये इश्यू आ रहे हैं, तो स्पैम भी आप चेक करिए, रिफ्रेश करिए और लिंक दोबारा पेस्ट करिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरी ईमेल आईडी भी कर सकते हैं सर। मैम एक बात बताइए, जब एंटर हो गए ना यूएई में जब एंटर हो गए तो नीचे कॉलम आता है व्यू टॉपिक्स एनरोल नाउ। हाँ एनरोल तो करेंगे ना सर, आप कोर्स में एनरोल है सर, वो एक उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसमें से हम ओईआर वाले कोर्स के लिए एनरोल करेंगे। आप उसके अलावा बाद में कभी चाहें और कोर्सेज करना तो वो भी आप कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ दो चीजें आते हैं ना, एक आता है व्यू टॉपिक, दूसरा आता है एनरोल नाउ। पहले एनरोल नाउ करना है, बाद में व्यू टॉपिक करना है। हाँ हाँ बिल्कुल सर। अल्पा मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी तक हमें। हेलो
अल्पा मैम एक बार इसको बंद करके दोबारा स्क्रीन ऑन करिए, शेयर करिए, सॉरी शेयरिंग ऑफ करके दोबारा होस्ट इनके स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए एक बार, फिर रीस्टार्ट के ऑप्शन दे दीजिए हमें। अल्पा मैम अब दोबारा करिए। वो तो लॉग आउट हो गए हैं जी शायद। आई थिंक उनका सिस्टम हैंग हो गया। कोई बात नहीं, अभी हम लोग लंच ब्रेक कर लेते हैं, अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो शाम को सेशन के बाद एक बार फिर 5 मिनट जिस जिसको दिक्कत है रुक जाएंगे हम लोग। मैम बस वन क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी। जब अंदर जाते हैं ना माई कोर्सेज में तो एक सर से भी आप पूछ लीजिए, दिखा रहा है पीएचपी एरर वाज एनकाउंटर्ड। सर माई कोर्सेज में आप जाएंगे जब तक आपने एनरोल कोर्स नहीं किया होगा तो कुछ नहीं दिखाएगा। हेलो मोनिका मैम। हाँ जी शीनम जी। मैम मैंने रिकॉर्ड किया लेकिन ये मिक्सिंग जो करते थे ना हम दूसरा ट्रैक उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दीजिए फिर से। पूछिए मैम क्या पूछना है आप। मैम ये ना रिकॉर्ड हो गया ऊपर मिक्स करना है ना मुझे, जैसे ओवरलैप करते हैं या फिर पीछे से। मैम बेसिकली वो जो सर कर रहे थे वो था एनवेलप जिसके अंदर हम लोग ना ऑडियो को थोड़ा सा कम या ज्यादा तो मैम दोनों ट्रैक्स को डाल देते थे हम इनवेलप में ना। तो लेकिन दूसरा ट्रैक लेना कहाँ से था। मैम आपका ऊपर ऑप्शन है स्टीरियो या मोनो, तो आपको स्टीरियो सिलेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। जी 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 ठीक है मैम। ओके मैम ये किसी ने स्क्रीन शेयर की हुई है प्लीज अपनी स्क्रीन बंद कर दें। मैम रजिस्टर एनरोल नाउ करने के बाद ना ये लॉगिन का ऑप्शन सामने आ रहा है और जब हम लॉगिन करते हैं तो वो पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है। जी मैं तो फिर आपको कोई और आपको कुछ और यूज करना पड़ेगा। ओके ठीक है एक बार नई ईमेल आईडी यूज की है। ओके 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 आप करिए एक बार करिए मैम कंटिन्यू डालिए पासवर्ड डालिए। स्क्रीन किसी और की है। हां जी स्क्रीन किसी और की थी मैम डाल रही है कोई बात नहीं प्रॉब्लम नहीं है। हां वही डाल देंगे ना कोई इशू नहीं। हां जी हां जी मोनिका मैम मेरा एक जब तक वो कर रही है मैं कुछ पूछूं तब तक। पूछिए मैम। देखिए मैम अब तो सारा कुछ हो गया ठीक लाइक अभी तक मुझे आ रहा था ईमेल आपका सही नहीं है। अब जब मैंने रजिस्टर किया पहले तो ईमेल सही नहीं मतलब अब कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ कोर्स पे। तो मैम अब आप वो जो वेलकम वाला लिंक है जो मैंने ग्रुप पे डाला है व्हाट्सएप पे उस लिंक से ही आप वापिस से खोलिए पेज को। आप लॉग इन ऑलरेडी हो चुके होंगे। ओके थैंक यू मैम थैंक यू सो मच। मैम देखिए मैंने डाल दिया है मैं लॉग इन कर रही हूँ फिर वही आता है पासवर्ड इनकरेक्ट। प्रीति जी आपका पासवर्ड इनकरेक्ट लिखा आया था स्क्रीन के ऊपर। नहीं लिखा हुआ मैम। देखिए ये नहीं तो फिर ये वाला अकाउंट नहीं यूज कर पाओगे आप। आपको ना नया अकाउंट बनाना पड़ेगा या तो आप पासवर्ड का कुछ भूल गए होंगे। नया अकाउंट बनाएंगे तो फिर गेट वेरिफिकेशन ईमेल करनी है। नहीं वो नहीं जरूरत नहीं है मैम उसकी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है अभी। आपने रजिस्टर लॉग इन करे जा रहे हो अपने अकाउंट से। नहीं पहले रजिस्टर किया था मैम। ये दूसरी मेल आईडी से रजिस्टर नहीं किया आप कह रहे हो ना दूसरी मेल आईडी से करो। दूसरी से पहले रजिस्टर करो ना मैम। आप डायरेक्ट लॉगिन कर रहे हो तो कैसे होएगा फिर। पहले रजिस्टर करो ना। ऐसा नहीं है एक बार हमने किसी भी मेल से रजिस्टर किया तो उसे पता है हमारी सारी मेल्स कौन सी है। हमें दोबारा उतना ही बताना पड़ेगा जितना हमने पहली बार बताया था। गुरमेल सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पे ऑल कोर्सेज में 5-6 कोर्सेज शो हो रहे हैं तो हमें OER को चूज किया तो अगेन एनरोल मांग रहा है वो तो उसमें अगेन एनरोल करना है। एनरोल नाउ बटन दबाना। हां जी एनरोल नाउ कर दीजिए। ओके थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू गुरमेल सर। बाकी लोग एक बार वीडियो देख लें। अब मैं क्लोज कर रही हूँ सेशन। लंच के बाद हम लोग शार्प
शार्प तो नहीं, 2 बजे हम शुरू कर देंगे तो 1:55 पे आप लोग वापस कल की तरह कनेक्ट हो जाएगा, सो देट हम टाइम पे फिर फिनिश भी कर पाए, ठीक है? मोनिका मैम जस्ट अ मिनट प्लीज, आपको फिर से डिस्टर्ब कर रही हूँ मैम, स्टीरियो तो आ गया लेकिन उसमें कुछ नहीं आ रहा मेरा, मेरी ही वॉइस आ रही है फिर से, 2 ट्रैक मेरी वॉइस नहीं, आपको दूसरा नहीं मैम, आपने ना एक्चुअली कोई म्यूजिक वाली फाइल आपके कंप्यूटर में होगी वो इम्पोर्ट करनी है वो, ओके पहले डाउन मतलब उसमें डालनी है वो, कहाँ से डालनी है मैम, आपको पता होगा ना आपके कंप्यूटर में कहाँ है मैम, आप मेरा पहले मोनो और स्टीरियो का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मोनो मतलब ऑडियो एक ही एंगल से आएगा, मतलब मोनिका मैम इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, ये एक्चुअली म्यूजिक उसके साथ मिक्स करना चाहती है, इन्होंने इम्पोर्ट नहीं किया अभी तक उसको, क्योंकि एक फाइल अपने वाली खोली, अब इंपोर्ट में जाके म्यूजिक तो इनके कंप्यूटर में ही होगा ना, कंप्यूटर में होना चाहिए, ओके ओके ठीक है, तो आपको अगर दूसरी फाइल चाहिए तो दूसरा ट्रैक में आपको म्यूजिक ऐड करना पड़ेगा, आपने मोनो को स्टीरियो पहले बनाना पूछा था तो उसका पर्पस कुछ और होता है, उसका पर्पस ये नहीं होता, वो तो ठीक है मैम, हां जी ओके थैंक यू मैम, ओके थैंक यू, विल मीट आफ्टर लंच एट 1:55 मैम, एक सेकंड गुरमेल सर उसमें ना